कि 60 सेकंड का ही मिनट क्यों माना जाता है। ये 60 सेकंड का मिनट हो और 60 मिनट का ही एक घंटा क्यों माना जाता है, 70 मिनट का या 50 मिनट का घंटा क्यों नहीं है। ये घंटे का जो टाइमिंग फिक्स की है उस किसने की है। 60 मिनट का ही घंटा क्यों होता है, 60 सेकंड का ही मिनट क्यों होता है और 100 पल का। आप बताइए एक सेकंड में कितने पल होते हैं, कितने लव होते हैं, कौन बताएगा। कितने पल का एक सेकंड होता है, 100। 100 बार जब टिक 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 100 बार बीत जाती है तब एक सेकंड होता है, आपको पता है। आप देख लीजिए आपके मोबाइल में ही सब चीजें मिल जाएंगी। ये जो टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग है ना, ये किसने तैयार की है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, समय बनाया, टाइमिंग बनाई, कितने लव का कितना घटी होगी, कितने घटी का कितना पल होगा, कितने पल का कितना प्रहर होगा। हमारे यहां प्रहर होता था है ना, 4 प्रहर बीत गए, इतने प्रहर बीत गए, इतने लव लव होता था। जैसे घड़ी होती, घड़ी क्या बोलते, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 मिनट हमारे यहां पहले क्या होता था, एक घड़ी में काम हो जाएगा, दो घड़ी में काम हो जाएगा। जैसे पहले की ना पैमाने अलग होते थे, जैसे आज हम लोग कहते हैं 1 किलो, पहले बोला जाता था 1 शेर। पहले क्या बोला जाता था, 1 शेर, आधा शेर मतलब आधा किलो। 1 किलो नहीं बोला जाता था आज के 40-50 साल पहले। सामान्य गांव में हम लोगों ने भी देखा है, पहले गांव में 1 शेर बोला, कितने शेर आपको शक्कर चाहिए, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 5 शेर, हाँ या ना। तो पहले की गणित अलग हुआ करती थी, अलग तरीके हुआ करते थे। जमाना बदला तो भाषा बदल गई, पहले शेर से काम होता था। इस दौर को कितने लोगों ने देखा है, 1 शेर 2 शेर, आप कितने लोग जानते हैं, जानते हैं 1 शेर। अब तो किलो में सब चीजें चलने लग गई, किलोग्राम में। उसी तरह पहले जब हमारे यहां घंटा मिनट, जब घड़ी नहीं होती थी ना, तब क्या चलता था, 24। अच्छा, जो आज के 200 साल पहले समय कैसे देखा जाता था बताओ, आज के 200 साल पहले या 100 साल पहले मेरे सामने मेरे गांव में पहली घड़ी आई थी। पहले हमारे गांव में घड़ी नहीं थी किसी के यहां, एक दीवार घड़ी आई थी, एक गांव के माल गुजार थे, तो फिर हम सभी लोग घड़ी देखने जाया करते थे। अरे घड़ी कैसी होती है, घड़ी देखने जाया करते थे, दीवार घड़ी। फिर माँ पूछा करती थी कितने बज गए, तो हम लोग जाके ये बताया करते थे कि छोटा कांटा 3 में है और बड़ा कांटा 12 में है, बस इतना पता होता था, कितने बज गए ये नहीं पता होता था। ये दौर हम लोगों ने खूब देखा। गांव की बात है, हमारे गांव में एक टीवी आई थी, तो हम बच्चे पूरी रात पूरा दिन टीवी के सामने बैठे, जिसके घर में टीवी आई ना वो सर पकड़ के बैठा रहा करता था, यही बैठे रहते हो, कभी जाया भी करो नहीं, उसी के घर बस खाने पीने जाए और तुरंत भाग के आ जाए। उन लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं, रात के 12 बजे भी दरवाजा खटखटा, खोलो टीवी देखना है, कुछ भी नहीं आ रहा तो ऐड ही देख रहे हैं, चूना 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 यही देख रहे हैं। पहले एक ही चैनल चलता था DD1, उसी में अब जितने ऐड आए जो आए सब उसी को देखना है, सब देखते थे रात के 2-2 बजे, देखते देखते वहीं सो जा, सवेरे उठ के जाते थे नहाने के लिए, ऐसे टीवी देखने वाले। तो घड़ी जब आज जब घड़ी नहीं हुआ करती थी किसी के पास, तब लोग टाइम कैसे देखते थे, तब कैसे पता लगता था कि बहू के बेटा कितने बज के कितने मिनट पर पैदा हुआ, फिर उसी आधार पर कुंडलियां होती थी। बताओ जब जब घड़ी नहीं थी तो टाइम कैसे देखा जाता था बताओ। सूर्य भगवान के प्रकाश से देखा जाता था।
अच्छा चलो दिन में तो सूर्य भगवान के प्रकाश से उसकी छाया नाप लेने से भी पता चल जाता है कितने बज के कितने मिनट। सूर्य भगवान की छाया बता देती है कितने मिनट पर यह छाया यहां आ गई, मतलब समय इतना हो गया। चलो दिन में तो छाया बता देगी, रात को कैसे देखेंगे? रात के 9 बजे तो रात को चांद की छाया बताती थी समय। अच्छा चलो अमावस्या की रात को कैसे समय देखते? अमावस्या की रात को तो ना चांद होता है ना सूर्य होता है रात को, है ना, ना तारे दिखते थे, मौसम बिगड़ गया तो कुछ नहीं, फिर कैसे देखेंगे समय? तो अब बताओ उस स्थिति पर समय कैसे देखा जाता था? आज मैं आपको एक बहुत बड़ा साइंस बताने वाला हूं। अच्छा ये बताओ, शंकर जी के ऊपर एक घड़ा रखो, उसमें एक छेद बनाओ और पानी भर दो, ये परंपरा हमारी रही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। शंकर जी के ऊपर घड़ा रखकर छेद करके पानी भरने से ये क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, ये बताओ। शंकर जी के ऊपर घड़ा क्यों रखा जाता है और एक एक बूंद शंकर जी पर पानी क्यों गिराया जाता है, इसका साइंस क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है? आप आश्चर्य मानेंगे, आपको शायद आश्चर्य लगे कि उस जमाने की ये शंकर जी के ऊपर रखा हुआ घड़ा ये कोई घड़ा सामान्य घड़ा नहीं हुआ करता था, उस जमाने की घड़ी हुआ करती थी कि इतना पानी यदि इस पर है, इतनी तेजी से पानी गिरने के बाद तो इतनी देर में इतना पानी गिर गया, मतलब इतना समय चला गया। वो जो घड़े का पानी था वो पानी बताया करता था। आप देखो ना, एक घड़े में छेद कर दो और पानी से भर दो तो वो एक टाइमिंग में जाके घड़ा खाली होगा, या तो 10 मिनट में खाली होगा या 15 मिनट में खाली होगा। घड़ा का छेद जितना बड़ा होगा उतने जल्दी पानी खाली होगा, और जितना बारीक छेद होगा उतनी देर में पोखड़ा। तो एक टाइमिंग, हमारे ऋषि मुनियों ने एक टाइमिंग, एक रिदम में वो घड़ा सेट करते थे कि उसका छेद कितना बड़ा हो और कितना पानी उसमें भरा। आज भी जैसे बाल्टी आपके आप यूज करते हैं उसमें लिखा होता है कि इसमें इतना पानी में ये 10 लीटर आएगा, यदि 15 लीटर में एक लाइन बनी होती, यहां तक पानी है तो 15 लीटर है, यहां तक पानी है तो 10 लीटर है, यहां तक पानी है तो 5 लीटर है, हाँ या ना, एक लिखा हुआ होता था। उसी प्रकार आज के बहुत पहले जब घड़ी वड़ी नहीं हुआ करती थी और टाइमिंग परफेक्ट निकालना हुआ करता था, तो एक टाइमिंग निकाल के वो घड़े में पानी भर दिया जाता था रात को, विशेष रूप में रात को। और जो लोग टाइमिंग नहीं देख पाते थे वो लोग अपने घर में वो घड़े का उपयोग करते थे, उनको विधि बताई जाती थी कि इस समय इतने बजे ऐसे इस प्रकार से घड़ा में पानी भरना है, और वो घड़े का टपकता हुआ पानी घड़े में बचा हुआ पानी बताता रहेगा कि समय इतना हो गया। इस प्रकार से जैसे कोणार्क मंदिर में एक चक्र बनाया गया है पत्थर का, उस पत्थर पर जब सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ता है तो वो चक्र में पड़ा हुआ प्रकाश और प्रकाश की छाया आज भी, आज ये 1400 साल पुराना मंदिर है, आज भी आप वहां जाएंगे और वहां देखेंगे तो आज भी 1400 साल बाद भी आज भी वह चक्र बिल्कुल परफेक्ट घड़ी की टाइमिंग बता रहा है, इतने बज के इतने मिनट हो गए आज भी बता रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे देश में ऑलरेडी पहले से थी। ये सब गणना किसने निकाली? ब्रह्मा जी, भागवत जी में ये पूरा कालक्रम लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे समय निकाला जाता है, घटी पल ऐसे वैसे सब कुछ लिखा है भागवत जी में, मतलब पूरा साइंस। जो एक कंप्यूटर में हम लोग चीजें देखते हैं बारीक से बारीक, वो सारी चीजें भागवत जी में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दी, थ्योरियां लिख दी, ताकि आपको यदि जरूरत पड़े तो आप उस थ्योरी को निकाल कर उस पर आगे काम कर लें। ये सारी विधा बताई गई है भागवत जी में, द्वितीय स्कंध में, ये तृतीय स्कंध में, ये सब कुछ लिखा हुआ पूरी विधा। अब जरूरत नहीं है उन चीजों की, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई है, सूत्र वहीं है। आज भी जब समय आगे पीछे हो जाता है 1 सेकंड 2 सेकंड का, तो हमारा भारत, पूरी दुनिया में भारत को माता क्यों कहा जाता है? कोई आपसे सवाल कर ले कि भारत को माता क्यों कहा जाता है,
आप आश्चर्य मानेंगे, जब अमेरिका की घड़ी कभी कभी एक सेकंड आगे पीछे होती है या बिगड़ती है, जब समय बिगड़ जाता है कभी कभी, आपको पता है दुनिया की घड़ी भी कई बार बिगड़ जाती है। एक सेकंड दो सेकंड का हेर फेर जब हो जाता है ना, तो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को समय की सही गणना निकालने के लिए भारत की धरती पर आना पड़ता है। भारत केंद्र में है, इसलिए समय की गणना परफेक्ट यहां से निकलती है। समय निकाल कर देने वाला ये देश है।